इशिता, आपको तो पहले मुबारकबाद देते हैं, आपकी फिल्म को मतलब ऑडियंस और क्रिटिक दोनों ने सराहा, तो कैसा लगा आपको जब पहला कॉल आया, किसी ने बताया कि आपकी फिल्म को पसंद किया जा रहा है? आई वॉज वेरी हैप्पी, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई फिल्म चल जाती है तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड यू मेड इट, एंड इट फेल्ट सो नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म जहाँ पे किरदारों के बारे में, ये कहानी एक हीरो ड्रिवन अगर मैं कहूँ कि है फिल्म तो है भी और नहीं भी, क्योंकि इसका हीरो कंटेंट है एंड वो जो स्क्रिप्ट है कहानी है और लोगों ने पसंद किया क्योंकि थ्रिलर टाइप की बनी है और स्पेशली मेरे किरदार को जितना प्यार मिला मुझे उम्मीद नहीं थी फ्रैंकली। बच्चा, लेकिन आप ना आती है, दिल को छू जाती है और वापस गायब हो जाती है, तो ये क्या तरीका हुआ, आप गायब कहाँ हो जाती है? ऑलवेज मतलब आपकी बहुत साल पुरानी प्रैक्टिस है, क्या करती है कि आप गायब होके? मैं गायब होके अपना मी टाइम कर लेती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे आई थिंक ये एक सीक्रेट भी रहा है मेरा और एक यू नो आई वुड से मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं इतने साल अगर इंडस्ट्री में काम कर पाई हूँ तो शायद वो जो गायब होने का जो मेरा दौर होता है मुझे इट हेल्प्स मी टू रिफ्रेश एंड कनेक्ट विद माय सेल्फ। कुछ लोग कर सकते हैं कंटिन्यूसली काम, मैं भी करती हूँ, जब मैंने भी बहुत सारी ऐसे फिल्में की हैं जब मैं दो तीन शिफ्टों में मैंने काम किए हैं, कभी यहाँ हूँ तो कभी वहाँ हूँ, और हमेशा उम्मीद करती थी मैं कि ऐसा दौर हम सिनेमा में देखें जब एक फिल्म में मैं एक किरदार निभाऊँ और फिर आई गेट इनटू अनदर फिल्म। आज के दौर में तो यही हो रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, एंड काफ़ी जितने भी अगर आप देखें तो हीरोज़ भी हैं हमारे और एक्ट्रेसेस भी हैं जितनी भी, वी डू फिल्म्स, आप कितनी भी कर लेंगे एक साल में अगर एक फिल्म आती है आपकी या दो आती हैं, बट आई फील मैंने हमेशा ऐसा ही किया है, अच्छी फिल्में की हैं फिर आई वुड वांट टू वेट फॉर अ बेटर फिल्म टू कम माय वे। ओके, वेल सेड। अच्छा, आपने कहा कि मी टाइम, मतलब क्या करती है वो मी टाइम में आप? मी टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट आई थिंक, सबसे पहले तो जब मैं काम करती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ, आई कैन वर्क फॉर 24 आवर्स एंड गो विदाउट स्लीप, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड आई नीड माय स्लीप, आई नीड टू गेट बैक टू माई डांस विच इज़ कथक, आई एम अ ट्रेन डांसर, बचपन से मैं नाचती हूँ, तो आई नीड टू डू माई रीडिंग, आई नीड टू मीट पीपल, आई नीड टू ट्रैवल। आई थिंक वो आपको एज एन एक्टर ऑल्सो बहुत हेल्प करता है क्योंकि आप इतने किरदार निभाते हैं, आप इतनी जिंदगी आप जीते हैं, तो आपको एक एक्सपोजर टू लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द फीलिंग्स दैट यू गो थ्रू ऑन स्क्रीन एंड सेलुलॉइड, तो एवरीथिंग दैट कीप्स मी हैप्पी आई लव डूइंग। ओके, मेरे ख्याल से आप इतनी लकी एक्ट्रेसेस है उसमें से एक रही होंगी क्योंकि आपने हर एक टॉप मोस्ट एक्टर के साथ में काम किया है, उसमें से एक दो तो पद्मश्री विनर भी है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन यू, तो पद्मश्री विनर, बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले, ऐसे नामचीन लोगों के साथ में आपने काम किया, तो यू एज ए रिशिता आप जब ऐसे नामचीन लोगों के साथ में काम करती तो क्या दिल में चुलबुल मचती की टेंशन आता है? आई थिंक मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि यू नो मुझे लगता है गॉड इज़ बीन टू काइंड, फ्रॉम माय बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई हैव वर्क नामचीन लोगों के साथ, मेरी चाहे वो अशोका रही हो, शरारत रही हो, हासिल दिल मिल प्यार, अब तक जो फिल्म की मैंने, आई हैव ऑल्सो बीन वेरी लकी बिकॉज मुझे किरदार भी बहुत अच्छे मिले, और इसलिए कई लोग जो मुझे पूछते हैं तुम हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मैंने कहा नहीं, मेरी डेस्टिनी में शायद था, बिकॉज आई फील इट वॉज जस्ट मेंट टू बी, आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर, एंड आज भी अगर मैं देखूँ तो मुझे अच्छे रोल मिले हैं और आई फील ये थोड़ा सा मैं श्रेय इसको मेरे ऑडियंस को भी दूंगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, बिकॉज एक एक्टर के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोग उन्हें चाहें, लोग उनको देख के कहें कि अरे इसे ये करना चाहिए, यू नो इट्स वेरी इंकरेजिंग, आई विश कि वो ये मिले उसे, उनकी दुआएँ लगती हैं, उनकी विशेज लगती हैं, एंड अगर जब मैंने हिंदी फिल्म नहीं की तो एक्सपेरिमेंट अगर रीजनल सिनेमा में किया तो वहाँ पे भी लोगों ने इतना प्यार और मुझे पसंद किया, तो आई थिंक आई हैव बीन यस एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट एंड यू ऑल हैव बीन वन ऑफ देम फॉर श्योर। अच्छा, आपने कहा आप रीजनल सिनेमा करती, तो थोड़ा ब्रीफ करेंगे हमें? मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी की थी अहडाना फिल्म कॉल मनी मंगल सूत्र मराठी में, वो एक कहानी थी एक 16 साल की लड़की से लेकर 60 ईयर्स तक, एंड उस वक्त मराठी फिल्में बस उभर कर ही आ रही थी, इट वॉज अराउंड 2009-2010 एंड बहुत कम एक्ट्रेसेस थी, मैं तो मराठी, इनफैक्ट आई एम नॉट अ मराठी स्पीकिंग गर्ल, मगर मुझे कहानी मुझे मेरे डायरेक्टर ने सुनाई, मुझे लगा कि फिल्म मुझे करनी चाहिए एंड उसे बहुत यू नो अक्लेम मिला, क्रिटिक्स ने पसंद की और ऐसा एक किरदार मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई यू नो टू प्ले द ओल्ड वुमन, टू प्ले अ यंग कैरेक्टर, एंड उसमें सरोज जी के यू नो कोरियोग्राफी थी उनकी, तो एक ऐसा गाना भी मैंने किया और वो ट्रेडिशनल ड्रेस एंड यू नो द काइंड ऑफ ग्रैंडियर,
तो वो भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट की थी, मगर वो भी ठीक और अच्छे से निकली. फिर एक बंगाली फिल्म की, कुछ साउथ में फिल्में की, तो आई थिंक इट इज़ बिन अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ इंडियन सिनेमा एंड से हिंदी एज वेल एज रीजनल. सुपर्ब. लॉन्ग वे हैं फ्रॉम अशोका टू दिस वे. थैंक यू. कैसे लेती है सक्सेस को आप? आई फील आई नेवर थॉट ऑफ सक्सेस. जब मैं फिल्में कर रही थी तो मैं सोचती थी कि बस मुझे आई वॉन्ट टू एन्जॉय, एंड अभी भी आई वॉन्ट टू एन्जॉय. ये अगर सक्सेस मिल जाती है, अगर कोई फिल्म चल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं चलती तो नहीं अच्छा लगता. मगर आई थिंक वी जस्ट कीप गोइंग एंड एक्टर्स स्पिरिट इज नेवर गोइंग टू डाई. अच्छा, आप इतनी मतलब व्यस्त रहती है और आप वैरायटी ऑफ रोल अपने लिए सिलेक्ट करती, वही आप दूरदर्शन पे भी एक सीरियल कर रही, उसके बारे में बताएंगे? वेल अभी तो ओटीटी का ज़माना भी है, मैंने कुछ वेब सीरीज भी की थी 2 साल पहले बिफोर कोविड. और टेलीविजन के बारे में अगर पूछे तो मैंने हमेशा थोड़ा सा उसे कंसिडर किया है कि मैं करूँ या नहीं, मगर मैंने अब दो चीज़ें मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन. एक है रंगोली, जो बहुत हम बचपन से देख रहे हैं, डीडी नेशनल पे आता है और उसका व्यूअरशिप इज अमेजिंग, और मुझे पता नहीं था. तो जब मैंने उन्होंने मुझे कहा था यू शुड यू नो वी वांट अ यंगर फेस ऑफ टुडेज जनरेशन, वी शुड हैव यू, सो आई एम होस्टिंग दैट विच इज वेरी एक्साइटिंग एंड पीपल आर लविंग इट. आई होप यू ऑल वॉच इट संडे मॉर्निंग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. एंड स्वराज, जो बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अनसंग एंड सम हीरोज beginning 1476 till about 1947 I would say, Portuguese invasion के बारे में. ये हमारे उन महानायकों की कहानी है जो हमें स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने इतनी जद्दोजहद से मेहनत की है और जंग लड़ी है. तो एक ऐसा किरदार मुझे, और हर एक एपिसोड एक एक हीरो को डेडिकेट किए गए हैं. तो मतलब आई हैव बीन गिवन द मोस्ट अमेजिंग वॉरियर प्रिंसेस और रानी लक्ष्मीबाई, जो मुझे पता है कि बहुत सारी फिल्में कंटेंट बन चुकी हैं, लेकिन दिस इज स्पेशल बिकॉज जिस तरीके से रिसर्च किए गए हैं, इट्स अ डॉक्यूड्रामा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. एंड उससे ज़्यादा भी ज़्यादा स्पेशल ये होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये बच्चों तक पहुँचे, हमारे युवा पीढ़ियों में पहुँचे, उन्हें ये एक एजुकेशन के फॉर्म में दिखाया जाए. और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आवर हिस्ट्री शुड लिव विद आवर जनरेशंस एंड जनरेशंस. वेरी ट्रू. मैं उसी ने ऐसी टीवी ब्राउज कर रही थी, मैंने देखा रंगोली में आप वो कंपेयरिंग कर रही थी, और मैं सोचो यार ये लड़की अशोका में भी फिजिकली वैसी थी, अभी भी है. तो अभी मुझे आप सीक्रेट बताइए कि इतने साल वैसा का वैसा फिजिक, दैट टू विद दैट मच ऑफ एनर्जी, बहुत डिफिकल्ट है. तो हमारे दर्शकों को भी कुछ टिप्स दीजिए ना. वेल पहले तो आप सबसे पहले खुश रहिए एंड डोंट डिपेंड ऑन हैप्पीनेस आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ, एंड मोर देन एनीथिंग मुझे लगता है कि आप अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखो. I love dancing. I look after myself. I exercise. खूब सारा पानी पीती हूँ and I eat healthy food. I mean मेरा कोई restriction नहीं है. मेरा sweet tooth का बड़ा problem है जो मैं control कर लेती हूँ. But otherwise I feel कि आप बस अपनी spirit को कायम रखें and you will definitely be happy. I think what is within is without. वेरी, बहुत सही कहा आपने. अभी आपका आने वाली कलाकृतियाँ क्या है? काफ़ी कुछ है. स्वराज आप देखेंगे, रंगोली तो देख ही नहीं है, एंड दो तीन और मैंने किए हैं. बट द वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हर साल होता है, राइट, 2017-2018 में भी मैं इन्वॉल्व थी, पर इस साल खास है क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड उसी की वजह से मैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल भी हुआ आई and I represented India as delegation. तो मैं उम्मीद करती हूँ नवंबर में जब ये फिल्म फेस्टिवल होगा तो सब अटेंड भी करेंगे. और इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री से हमें ऑलमोस्ट 800 फिल्म आ चुकी हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी फिल्में करेंगे और इसे भी एक सक्सेस बना देंगे. बिल्कुल, ऑल द बेस्ट ऋषिता. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.